वहीं बागेश्वर जिले में भी दो सीटों पर बीजेपी ने ही अपना कब्जा किया है। बागेश्वर सीट में सबसे बड़ी जीत भाजपा विधायक चंदन राम दास के नाम रही, तो वो लगातार चौथी बार इस सीट से वो विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रंजीत दास को 12,141 मतों से हराया। जिले की दूसरी कपकोट विधानसभा सीट पर 4,046 मतों से भाजपा के सुरेश गढ़िया ने कांग्रेस पार्टी ललित परसवान को पराजित किया है। कपकोट में बसपा सपा और निर्दलीय नोटा के बराबर भी मत वो नहीं ला सके। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से बहुत कम समय में हमको बहुत कम समय मिला था, इस कम समय में हमारे जो कार्यकर्ता है अंतिम छोर के गांव तक भी पहुंचे और हर घर तक पहुंचने का उन्होंने काम किया है। ऐसे हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा है और मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक विश्वव्यापी संगठन है और जो उसका कार्यकर्ता होता है वो एक योद्धा की तरह होता है। और बागेश्वर में मैं प्रत्याशी बना चौथी बार। मेरी खुद स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर सका, मगर मेरे कार्यकर्ता ने, मेरे संगठन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और एक एक कमल के फूल को चुनकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। इसलिए इस जीत का श्रेय मैं बागेश्वर विधानसभा के संगठन को और कार्यकर्ताओं को देता हूं और समर्पित करता हूं। मैं सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।